भाई दोस्तों टॉस होता हुआ एक तरफ है बीके अकेडमी तो दूसरी तरफ धरोरा, दोनों टीमों में बेहतरीन टीमें हैं कमाल की। भाई दोस्तों मुकाबला स्टार्ट होता हुआ पहली रेड धनोरा की तरफ से सोनी 10 नंबर जर्सी में। एक योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और दूसरे योगी जी हमारे बीच में है जो यूट्यूब से हमारे गांव की लोकप्रियता को और उसकी पॉपुलैरिटी को दूर तक पहुंचाएंगे। भाई कमाल का क्वार्टर फाइनल्स में थोड़ा सा बहुत ही मामूली सा फेर बदल किया गया है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरे सुपर एट के मैच में बेहतरीन वेदवान सेमीफाइनल में जाएंगे सीधे। अहमद करे फलावली वर्सेज बादल बर्ड। स्कोर की बात करें तो 2-0 स्कोर है बीके दोनों टीमें एकदम तैयार है। इस मैच में 15 मिनट तक हमें चीखें मारनी पड़ी तब दोनों टीमें आई, तो अगले मैच में एक मिनट भी खराब ना हो। खंडरावली वर्सेज एक और एम्प्टी नेट और तीसरे मैच में समर खानपुर वर्सेज वाहिद लहरी क्लब, ये दोनों टीमें तैयार रहे चौथे में बचाते हो और उसके बाद चार टीमें हमारी सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी बिल्कुल और उसके बाद पर्ची डाली जाएगी बराबरी की टीम जिसका जिसके साथ। बहुत ही बढ़िया भाई, कितनी जल्दी से मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं और बरसात गुजर जाती है। अपनी यादों से कह दो कि यूं ना आया करे, नींद आती नहीं और 2-0 स्कोर। क्या बीके एकेडमी वापसी करेगी यहां से, साउथ का डिफेंस फुल स्क्वाड एक और एम्प्टी नेट। यहां के तो बच्चे भी बड़े होशियार है, मैं देखो छोटा सा बच्चा है वो 6-7 साल का ही होगा ज्यादा का नहीं और उसे पता है कि थर्ड रेड ओवर है 5 नंबर से। बहुत बढ़िया बेहतरीन मौका बना लिया यहां पर, समझदारी आपको सेमीफाइनल में पहुंचा देगी, लापरवाही आपको टूर्नामेंट से बाहर कर देगा। इतना खुश हूं कि अब मैं रोना नहीं चाहता और ये आलम है बाप की जुदाई में कि आंखों में नींद है मगर सोना नहीं चाहता। 0 स्कोर कमाल का टच, बहुत बढ़िया। ये से पहले अपनी दवा हाथ में रखें। सोनी चार के डिफेंस में वन ईच हो गया क्योंकि लॉबी से संपर्क टूट गया था। इस सूरत में दोनों तरफ एक पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। बेहतरीन वेदवान गए सेंटर लाइन से हाथ को पार जाने ही नहीं दिया। और भाई कमाल का सुपर टैकल देखने वाला है बिल्कुल भाई बराबरी सुपर टैकल के दो इकला मेरिट कवर टूर्नामेंट का मुकाबला। भाई दावा जरूर क्या है बिल्कुल पॉइंट मिले भाई। स्कोर की बात करें तो 6-5 स्कोर है बराबरी की टक्कर दोनों टीमों के बीच। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला 6-5 स्कोर। पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला इकला कबड्डी टूर्नामेंट मेरठ स्कॉर्पियन किक लगाने का प्रयास। एक और एम्प्टी नेट मेरठ की तरफ से मेरठ बीके एकेडमी उपयोद्धा वर्सेस धनोरा के बीच मुकाबला चलता हुआ। इस बार बचा लिया इन्होंने अपना बैलेंस बना लिया वरना अगर लॉबी में चले जाते टच किए बिना 5 का मैच 2 की चेन लेफ्ट में 2 की चेन राइट में सेंटर में खिलाड़ी और इसके साथ टैकल कर लिया। एक और कवर टैकल डुबकी लगाकर निकलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। 6-6 स्कोर बराबर बिल्कुल भाई बराबरी का गेम देखने को मिला है अभी तक दोनों टीमों बराबरी पर धनोरा वर्सेस स्कोर देखो दोनों टीम बराबर है तो स्कोर भी बराबर ही है 6-6 बराबर है।
बड़ी टीमें आपस में खेलती हैं तो स्कोर बड़ा नहीं होता, कम रहता है। इतनी देर हो गई, 6-6 बराबरी हुआ अभी। पैसा वसूल मैच है ये। एक और एम्प्टी नेट। अब इसी बादल खरड़, ये दोनों टीम तैयार है और समय का अभाव है, वक्त की किल्लत है। टाइम इज वेरी शॉर्ट, सो प्लीज एक और थर्ड रेड टू रेड बीके कैन डिसाइडेड रेड इन दिस सिचुएशन फॉर डिफेंडर्स आर स्टैंडिंग अगेंस्ट रेडर, सो बोनस इज ऑफ। वेरी गुड टैकल, सक्सेसफुल टैकल टू रेड। धनोरा की टीम एडवांटेज इन फेवर ऑफ धनोरा। छोटू भाई 5 नंबर जर्सी में और 5 के डिफेंस में क्या कामयाबी मिलेगी। स्कोर की बात करें तो 6-7 स्कोर है, 1 पॉइंट की लीड इस समय धनोरा के पक्ष में। साथियों स्कोर की बात करें तो अब 2 पॉइंट की लीड धनोरा के पक्ष में है। भाई कमाल का रनिंग हिट अच्छा एक तरफ भाई मेरठ की टीम है तो दूसरी तरफ धनोरा बागपत की टीम है। एक और एम्प्टी नेट बट ऑल कैन नॉट स्पीक, एक ही खिलाड़ी बोल सकता है बाकी सब नहीं बोल सकते। वेरी गुड गजब बेहतरीन भाई कमाल का था होल देखने को मिला है। सात नौ स्कोर, 2 पॉइंट का अंतर है। धनोरा दिखा रही उसी तरह स्कोर 8। नौ स्कोर भाई अंतर 1 पॉइंट का है मात्र। बराबरी की टक्कर देखने को मिली अभी तक। भाई स्कोर की बात करें तो 8-9 का स्कोर अभी भी। स्पॉट में योगी जी आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं सर्च करके, जो पुराने टूर्नामेंट है या नए टूर्नामेंट होंगे तो आप सब्सक्राइब करके वो सारे मैचेस देख सकते हैं और 50,000 से भी अधिक। भाई स्कोर की बात करें तो अभी भी 8-9 स्कोर, बिल्कुल डू और डाई पर मुकाबला पूरी तरह से अभी तक। एक और कमाल का टैकल, बिल्कुल सही जगह। भाई धनोरा की टीम धीरे धीरे फिर से बढ़त बनाती हुई। भाई ज्यादा ही आगे आ गए भाई, देखो उधर तो बिल्कुल कोने में, बिल्कुल ग्राउंड के पास ही बैठे हैं बिल्कुल। चार के डिफेंस में पूरी तरह से चहल कदमी करता हुआ खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला चलता हुआ अभी तो पहला हाफ है। थर्ड रेड डॉट रेड, ये डॉट रेड है क्या स्कोर फिर से जो अंतर है वो कम होगा। एक और कमाल की भाई जबरदस्त टैकल देखने को मिला है। 9-10 स्कोर, 9-10 9-18 देखो स्कोर भी लगभग बराबर सही है। धनोरा के पास एडवांटेज है 1 अंक का। बागपत में है बुढ़ाना से जाते हुए जब अंतर अभी भी हम बड़ौती की तरफ जाते हैं तो हमारे बाई तरफ पड़ता है धनोरा। थर्ड रेड पर ऐतिहासिक टूर्नामेंट हुआ था 3 साल पहले, 1,00,000 रुपए का पहला इनाम था और 51,000 का दूसरा इनाम था। बहुत बढ़िया, केक जरूर लगाई है सवाल की, लेकिन इनका इलाज तो यही है। जबरदस्त टैकल देखने को मिला है। भाई मुकाबला पूरी तरह से डू और डाई पर है लेकिन कमाल का प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से। यस बोनस ऑफ है, बहुत ही बढ़िया। पीछे का थोड़ा सा ध्यान चूक गए थे लेकिन चौका न ध्यान रखने की जरूरत है। अब मामला सेमीफाइनल में पहुंचने का है, 3-4 में। बट डिफेंस बनाम इस मैच की विजेता टीम पहली टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली।
इसको और कमाल का टैकल मिस हो गया। 10-11 आलस, दोनों टीमें भूख भूख कर कदम रख रही है। कल को फिर मुजफ्फरनगर में घमासान चलेगा, ये जो आज रात को यहाँ पर ये चांद रात हो रही है, कल ये चांद रात बाहर पर रहेगी गांव पटौली में। एक और एम्पायर छोटू भाई मुजफ्फरनगर के बाद फिर सहारनपुर में, उसके बाद फिर बागपत में। एक और एम्पायर भाई मुकाबला अभी तक फर्स्ट तो जबरदस्त देख रही है दोनों टीमों की तरफ से। शास्त्री 10 नंबर जर्सी में सेंटर में खिलाड़ी है, प्रो कबड्डी प्लेयर। एक और एम्प्टी राइट बड़ी जी मेरे लिए आ गई है, अग्नि परीक्षा है रेडर के लिए। रास्ता मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है, दिस इज वेरी मच डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। वेरी गुड, इट वॉज वेरी गुड चांस नामुमकिन को मुमकिन, असंभव को संभव। इधर भी डोटाई डोटाई चार के डिफेंस में लगातार मिनट कामयाब हुआ है फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड। क्या यहाँ भी कामयाबी मिलेगी? एक और बेहतरीन डायरेक्टली स्कोर की बात करें तो 11-12 स्कोर है, 1 पॉइंट का अंतर है कल अभी भी यूपी धनोरा के पक्ष में। मध्यांतर के समय स्कोर की बात करें तो 10 पॉइंट की लीड के साथ धनोरा आगे, 11-12 का स्कोर है, 1 पॉइंट की लीड में भाई धनोरा इस समय। भाई दोस्तों फर्स्ट हाफ की कहानी की बात करें तो कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, मात्र 1 पॉइंट की लीड है धनोरा के पक्ष में। सेकंड हाफ का मुकाबला स्टार्ट होता हुआ कुणाल एक नंबर जर्सी में, 11-12 का स्कोर है 5 के डिफेंस में। तो भाई यहाँ पर मैच फिर चलता हुआ दूसरे हाफ की शुरुआत हो चुकी है 12-11 से आगे। एक और एम्प्टी सोनी 10 नंबर जर्सी में, भाई लगातार खिलाड़ी मेरठ के लिए खेलता है बीके एकेडमी के लिए, लेकिन इस समय धनौरा का प्रतिनिधित्व करता हुआ। क्या समझदारी का सबूत देना पड़ेगा इकला कबड्डी टूर्नामेंट में। एक और एम्प्टी रेड देखने को मिलेगी, इन्होंने इसी वजह से अपनी रेड इधर से डू अटाई देखने को मिली है। भाई दोनों तरफ से डू अटाई रेड देखने को मिली है लगातार, और भाई अब डू अटाई क्योंकि भाई सेकंड हाफ की पहली रेड मेरठ की तरफ से बहुत बढ़िया, यहाँ पर स्पीड बढ़िया थी और फुटवर्क मोमेंटम बहुत बढ़िया, और इसके साथ गलती करने को मजबूर कर दिया। 30 सेकंड की समय सीमा पार इन्होंने लिया, धरोरा की टीम ने टाइम आउट लिया और दूसरे हाफ में ये पहला टाइम आउट है इनकी, एक लाइफ लाइन और बची है। इधर वीडियो टाइम आउट और तो सारे मैच बढ़िया होंगे लेकिन एक जरा सी कमी रहेगी कि रछौते की टीम नहीं है। कमाल का टैकल, वन बॉल बिल्कुल सही, बस अगर स्कोर की बात करें तो 13-15 का स्कोर है, 2 पॉइंटों की लीड है भाई धनोरा की, 2 पॉइंट की लीड में आ गई धनोरा की टीम। और जी के साथ टैकल, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हुई। बस दो खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल ऑन और दोनों के दोनों भाई डिफेंडर हैं, सुपर टैकल ऑन। अभिषेक बढ़िया चैलेंज मार, ओ सही जगह पर टैकल,
लोगों का लाभ बहुत बढ़िया सुपर टैकल अभी। हाँ, 15-16 स्कोर, 15-16 का स्कोर है, एक पॉइंट का अंतर है मात्र। एकजुटता बहुत ही बढ़िया चल रही है फिलहाल धनोरा की। आना सिस्टम एक्शन में, काटे की टक्कर चल रही है सम्मान बचाने के लिए, पर इतनी मेहनत करने के बाद जब हार होती है ना तो बहुत ही दुखद हार, लेकिन कोई बात नहीं, कल मुजफ्फरनगर में जाकर बदला लेने का मौका मिलेगा। तीन खिलाड़ी कोर्ट में सुपर टैकल होने एक बार फिर, सोनी समय अनस सेकंड मैच में सोन बराबर को ढलना सिखाती है और क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तकलीफ तो होती है पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। एक और एम्प्टी नेट देखने को मिलेगी भाई, स्कोर की बात करें 16-16 स्कोर बराबर है। चार का डिफेंस बहुत ही तीव्र और खतरनाक होता है, इसलिए रेडर को चाहिए कि समझदारी का सबूत दे, नहीं दे पाए। चार का डिफेंस खतरनाक होता है, लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। बीके एकेडमी एक पॉइंट की लीड में, टाइम आउट का इशारा किया है और टाइम आउट लिया है बीके एकेडमी ने। इस बार दर्शक भाई फुल एंजॉय लेते हुए इस मुकाबले का, भाई 16-17 का स्कोर है, एक पॉइंट का अंतर। बीके एकेडमी यूपी योद्धा एक पॉइंट की लीड में भी, एक और एम्प्टी नेट डोडाई क्या स्कोर होगा, बहुत ही जिसके अंदर स्पीड होगी और चालाकी होगी वो बच जाएगा। ओ ये नहीं बचाया, कमाल का फिर से बराबर हो गया, पांच और छह और भाई स्कोर फिर बराबर है। चार में गिने चुने खिलाड़ी होते हैं तो उन्हें पता रहता है एक दूसरे के हमें क्या करना है, छह में चक्र टूट जाता है साथ में। इधर भी चार का डिफेंस है, खैर इस बार तो रेडर ने बहुत ही एक और एम्प्टी नेट भाई डू अर डाई रेड। स्कोर की बात करें तो भाई 17-17 स्कोर बराबर है। एकला कबड्डी टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल का मुकाबला बीके एकेडमी वर्सेस धनोरा के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला है। ये देखो दो मिनट में बहुत कुछ हो जाता है, कमाल का टैकल है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या दो मिनट में चार पॉइंट बन गए, बेहतरीन टैकल, सम्मान के लिए प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दोनों टीमें अग्रसर है, सिर्फ 21,000 के लिए नहीं बल्कि सम्मान के लिए सबसे ज्यादा। बढ़िया डैश किया, बच्चों का हाथ निकला, रेड आउट भाई, बार बार इसमें टेक्नोलॉजी भाई, कमाल का डैश देखने को मिला है, जबरदस्त डैश है। खारा खारा बराबर है भाई, बीबी मुझे लग रहा कि दूसरे हाफ की समाप्ति की ये सीन आ रहा है, बेहतरीन प्रयास, एक और कमाल का टैकल, काने की टक्कर चलती है तो जैसी लड़ाई वाला होगा। 19-18 स्कोर, 19-18 है बताया तो था बीबी, एक पॉइंट की लीड है उनकी, बीके एकेडमी फिर से एक पॉइंट लीड में आ गए। साधारण क्लब यूपी होता की एक पॉइंट की लीड, एक और एम्प्टी नेट मैच, खंद्रावली अहमद क्लब वर्सेज बादल खरड़, ये खरड़ जिला मुजफ्फरनगर के बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में है, उसके बाद शामली शुरू हो जाता है। एक और एम्प्टी नेट भाई, एडवांटेज ये है कि अंतिम पांच मिनट शेष है और जी का टैकल भाई, स्कोर दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, फिर से लेवल हो गया, फिर से स्कोर लेवल हो गया भाई,
19-19 स्कोर। इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं और उधर फिलिस्तीन की तरफ से भी। और भाई लास्ट पांच मिनट का समय जा रही है, लास्ट पांच मिनट का अनाउंस हो चुका है, स्कोर अभी बराबर है। क्या पहला क्वार्टर फाइनल, बहुत बढ़िया चौका ना ध्यान था इस बार रेडर का। मरीश समय काटने का प्रयास है क्योंकि पहले भी बढ़िया रही भाई टाइम आउट लिया इस बार धनोरा। थर्ड रेड टू डाई रेड स्कोर डबल हो गई है, चार का डिफेंस है, चार ही लास्ट चार मिनट का समय शेष, लास्ट चार मिनट और जी का साथ और कमाल का टैकल भाई 20-19 लेकिन भाई 20-19 एक पॉइंट की लीड फिर से अभी की एकेडमी यूपी योद्धा के पक्ष में। जबरदस्त गेम भाई, एक और एंट्री क्या भाई शास्त्री खुद 10 नंबर लड़की में डुअर डायरेक्ट में भाई जिम्मा संभाला है कुणाल ने। क्या पर ये इम्तिहान बड़ा है इस बार और 2020 होने की पूरी संभावना है, इस बार तो 1920 है। और यहाँ पर दो डायरेक्ट भाई और जी के साथ आउट, 20-20 बराबर हो गए, आउट जोरदार ताली तो लास्ट तीन मिनट स्कोर बराबर 20-20 स्कोर बराबर अंतिम तीन मिनट का समय शेष। मनीष जाएंगे समय काटेंगे लेकिन नहीं भाई डू ऑर डाइड अब फिर डिसाइडेड रेड बराबर है, फैसला कौन रेड है हो गया था टैकल, एक और का मार का टैकल, एक पॉइंट की लीड 21-20 वो भी जवान अनश भाई निर्णायक रेड साबित हो सकती है ये लेकिन अभी तो भाई एक रेड और आनी है इसके बाद डू ऑर डाई होगी बीके की तरफ से। और ये जो तीसरा मैच होगा ये खदरावली वर्सेज बादल खड़ जो फिर तीसरा होगा कल होगा समर खानपुर वर्सेज वाहिद लहरी क्लब, ये सबसे खतरनाक मैच होगा, फाइनल से पहले फाइनल जैसा मैच होगा। जो मेडिकल से अपनी दवाई लेके आए हैं वो दवाई खा लें इस मैच को देखने से पहले जिससे का असर करना शुरू करो। आखिरी एक मिनट का समय शेष है, पैसा वसूल मैच है, स्कोर बराबर है अभी। टूर्नामेंट की कामयाबी का ये सबसे पहला सबूत है और ये साहब लो भाई लगा दी क्या शुरू करे लगा दी भाई क्या लो भाई भाई स्पॉन्सर स्कोर की बात करें तो 22-21 स्कोर है 22-21 भाई क्रॉस ले रखी थी और पॉइंट गिफ्ट कर दिया आप कह सकते हैं इसे, ये भाई बड़ी गलती साबित हो सकती है। और हाँ दो पॉइंट चाहिए कम से कम, अगर दो पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पर तो फिर शास्त्री आप कह सकते हैं पूरी तरह से मुकाबले को जीत लिया, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, बीके एकेडमी ने भाई धनोरा को पस्त किया है इस मुकाबले में और सेमीफाइनल का टिकट कटाया, तीन पॉइंट से बाजी मारी। थैंक यू धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।